तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं परमिश वर्मा के बारे में। परमिश वर्मा उनके चैनल पे एक Q&A वीडियो अपलोड किया जहां पर किसी ने उनको पूछा था कि आप एल्विस यादव से कैसे मिले। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। एल्विस भैया से पहली बार मुलाकात कैसे हुई? हाउ डिड यू बिकम फ्रेंड्स? सो साडा गाना सी ना जट्टा ना, तो हले भी यूट्यूब दे उत्ते आ, ओ एक निक्की जी कंट्रोवर्सी हो गई सी। आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सी प्रॉब्लम आ गई सी, यूट्यूब ने उन्हें फ्लैग करता। हले भी यूट्यूब ते फ्लैग होया होया, आई डोंट नो वाई, क्योंकि वो ईवन दो द सॉन्ग गाना ये कहता कि सुसाइड ना करो, पर यूट्यूब वो गाने नू प्ले करन तो पहला वार्निंग दिंदा, तुसी गाना शेयर भी नहीं कर सकते। तो आई वॉज रियली अपसैट कि जेन्यून कॉन्टेंट है जो यूट्यूब ने जिदी रीच खड़ाई हुई है। कोई गाना हो दारू वाला तो नशे वाला हथियार वाला वो यूट्यूब कुछ नहीं कहता उत्ते। सो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटड। मैं उसकी स्टोरी भी पाई इंस्टाग्राम पर, मैं ट्विटर पर भी किया, बट कोई रिस्पोंस ज्यादा आया नहीं। पर एल्विस ने रीट्वीट भी किया, मैं मैसेज भी किया उन्हें कि भाई यार तुम यूट्यूब ना एवें करके इस चीज़ा डिस्कस करके देखो। तो उदो आई रियलाइज कि वो रूबीकॉन ड्रिल भी उदो ही आया सीगा, वो थोड़ी देर पहले ही वो गाने की भी उन्हें स्टोरी पाई सी कि तुम सारे जाने वो गाना देखो। सो मतलब उन्हें रूबीकॉन भी प्रमोट किया इनडायरैक्टली, तो उन्हें हैल्प की। सो दैन आई रियलाइज कि एल्विस है, ये व्लॉग्स पाँदा है, इदियाँ वीडियोज़ आदि ने। सो आई गॉट इन टच के थैंक्स यार, आई रियली अप्रीशिएट। तो उस तो बाद मिले तो थोड़ी दोस्ती बनी हुई एक तरीके। आई थिंक होली वाला दिन से जो पहली बार आया हुआ सी, लोगों ने मैसेज किया कि मैं आया हुआ, असी मिले, साड़ी गलबात हुई। सो दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट न्यूज हनी सिंह के बारे में। सहनाज गिल के चैनल पे हनी सिंह का एक इंटरव्यू आउट हुआ है और उस इंटरव्यू में हनी सिंह इनडायरेक्टली रफ्तार को रिप्लाई किया, तो उस वीडियो में से वो वाला पार्ट आप लोग भी देखिए। क्रेडिट के लिए कभी काम किया ही नहीं, अपने आप के लिए काम किया, अपने आप को खुश करने के लिए काम किया, किसी और को खुश करने के लिए काम किया। जो भी गाने ये बनाए कि ये गाना अगर मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो ही रिलीज़ करूँगा, तो ही शूट करूँगा। और शुरुआत में जब मैं पंजाब में था, जब मैं शिफ्ट हुआ पंजाब में 2007 में, 7 से लेकर 12 तक आई वॉज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर ओवर देयर एंड अ राइटर, तो कई गाने हिट हुए। उसमें से दिलजीत की मैंने एल्बम करी थी, दिलजीत भाई की एल्बम करी थी मैंने, द नेक्स्ट लेवल पंगा। सो आई डिज़ाइन द होल एल्बम इन 1 ईयर और मुझे उसका खास क्रेडिट नहीं मिला था, लेकिन मैंने कभी क्रेडिट के लिए काम ही नहीं किया। क्योंकि अगर आपके अंदर हुनर है तो आज नहीं तो कल आपको जो जो हुनर को परखने वाले लोग हैं या जो मौका देने वाले लोग हैं वो बुला लेंगे, तो थोड़ा सा सब्र जरूरी है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, क्रेडिट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट न्यूज ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। ट्रिगर्ड इंसान का जो तुम मेरी 2 सॉन्ग आउट हुआ है, उस सॉन्ग के ऊपर ट्रिगर्ड इंसान का मम्मी पापा का रिएक्शन कुछ यह था। मम्मी इमोशनल नहीं होना, मुंडा भी आ गया, मुंडा भी आता, मम्मी के बिना शादी कर ली क्या, जप्पी शप्पी हो गई। मैं ये कह रहा था, चाचू ने मैसेज कराया कि भाई लड़की पटाखा है तो इसकी शादी कर दो। चाचू और पापा यही देखते रहते हैं मॉडल कौन सी है, कहीं रिश्ता सेट हो जाए। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप, गा के दिखा दीजिए फिर। तुम मेरे कि तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। मैं बढ़िया गाता हूं, मैं भी आ रहा है सब, बुरा नहीं। बस अगली बार इसको गवा देना। नेक्स्ट न्यूज मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। मिस्टर इंडियन हैकर कमेंट पढ़ रहे थे और तब किसी ने मिस्टर इंडियन हैकर का न्यू कार मस्टांग जीटी के बारे में एक कमेंट किया था। उस कमेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए मिस्टर इंडियन हैकर कुछ ये कहा। तो अब मैंने भी कमेंट देख लिया जिसमें भाई बोल रहे हैं कि भाई अब मस्टांग तो ले लिया, उसके साथ में एक्सपेरिमेंट करो। तो मैंने तो एक कमेंट देख लिया, अब क्या होगा यार, पता है अब क्या होगा गाइस, क्या होगा। सब्सक्राइब करो, 35 मिलियन पे होगा जल्दी मेन चैनल पर। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इसे। तुम खुद कमेंट्स पढ़ के देखना, माँ कसम तुम लोग इतने खुराफाती हो गए हो ना कि बस 35 मिलियन कर दो। नेक्स्ट न्यूज क्रेजी दीप के बारे में। बहुत ही जल्द क्रेजी दीप का एक डिस्ट्रैक आने वाला है, उसी के बारे में अपडेट देते हुए क्रेजी दीप इंस्टाग्राम टूरिस्ट में कुछ ये कहा। नहीं जनता ये उन्हें बता देंगे, डिस्ट्रैक है भाई बोंगा राइडर पे, कॉपी आबाजी पे, और भी बहुत सारे लोग, तुमने तो सोचा, तुम्हें पता भी नहीं भाई क्या आने वाला है, ठीक है। बस तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये, बस 4-5 दिन में मिलते हैं फिर। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।